¡Vámonos! व्यू देखो यार, किसी भाई ने बताया हमें कि आपको बर्फ मिलेगी चंदनवाड़ी में, तो चलो दिखाते हैं। चंदनवाड़ी में अगर बर्फ होगी तो और क्या चाहिए भाई, ये तो ट्रिप ही सक्सेसफुल हो जाएगी पूरी तरह से। ठंड स्टार्ट हो गई है क्योंकि धूप चली गई है। यहाँ आपको गर्मी तभी तक, गर्मी क्या, इवन ठंड तब तक नहीं लगेगी जब तक धूप चलती है। जैसी धूप बंद होती है, ओ भाई भाई भाई, जो ठंडा लगना स्टार्ट होता है ना। और मुझे बस अब एक ही डर है कि भाई, जो सबसे बड़ा डर है मेरा, कि बारिश ना होने लगे। बारिश होने लगेगी तो यार बहुत प्रॉब्लम होती है। गाड़ी में बच्चे वो मेरा वीडियो बना रहे हैं, मैंने भी उनको हाय हेलो कर दिया। रोड बहुत स्टीप है। ओ यार, ये होता है ना प्यार, मतलब पहाड़ में सफारी को देख के ना जो सुकून मिलता है ना, ओहो, द फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट कलर है भाई सफारी का। ये क्या लग रही है यार, ये होती ना गाड़ी इस जगह पे लाने वाली। सीरियसली, एक जगह देखने गया था, वहाँ पीछे थी पर बाइक नहीं दिख रही थी वहाँ से, तो इसलिए जल्दी जल्दी वापस आया मैं। हो वैसे यहाँ कोई कुछ करता तो नहीं है, बट स्टिल एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यही रास्ता है जो अमरनाथ यात्रा के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसकी रोड्स आप देखो एकदम चकाचक, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आते हैं रेगुलर। अमरनाथ का जो बेस पॉइंट है ना, वहाँ पे जाके आपको ये रास्ता मिलेगा और फिर वहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। शेषनाग लेक है, वो भी इधर आगे जाके ही स्टार्ट होती है, जहाँ पे मैं जाने का प्लान कर रहा था, बट मुझे लगता नहीं है मैं जा पाऊँगा उधर। ऊपर का देखो आ गया, कितना खूबसूरत है। रोड पे भी ध्यान देना पड़ता है भाई, आप लोगों को दिखाते दिखाते सब साथ में। वाव यार, मतलब मेरा ना मुँह से हर बार वाव ही निकल रहा है। वो देखो, मतलब जस्ट लुक एट दिस, ओ वाव, इट इज सो ब्यूटिफुल यार। वो रहा ग्लेशियर, वहाँ से पूरा पानी कैसे कैसे रिवर तक आ रहा है, सारा दिखाई दे रहा है यार, एकदम चुम्मा है भाई, गॉड कसम से कितना सुंदर है। मतलब मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पे खड़े होके ना इसको 5 मिनट ढंग से देख लूँ। ये अमरनाथ यात्रियों के लिए है ये, और यहीं से गेट है सारा। अमरनाथ यात्री यहाँ पे सारा वेरिफिकेशन चेकिंग वगैरह जो भी होती है सारी इधर ही होती है। उसके बाद ये जितनी तैयारी चल रही है सारी अमरनाथ यात्रा की ही चल रही है। मेरे को किसी ने बताया यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स है इस टाइम, आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्लॉय होती है जब अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली होती है, तो बहुत ज़्यादा आर्मी है इस साइड। ये अपने टेंट वगैरह लगा रहे हैं सो दैट ये यहाँ पे सर्वाइव कर सकें पूरी अमरनाथ यात्रा के टाइम। चलो अमरनाथ जी यार, ये इतना खूबसूरत होगा, मैं मुझे उम्मीद नहीं थी, ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है आर्मी की, तो आप सामने ही देख सकते हो सारे आर्मी टेंट्स वगैरह सब लग रहे हैं, और हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। अब आरू वैली का जो प्लान है वो मैं कैंसिल कर चुका हूँ, क्योंकि इतना बेहतरीन मुझे यहीं पे सब कुछ मिल गया है, तो मैं आरू वैली में जाके करूँगा भी क्या। आरू वैली इससे खूबसूरत खैर नहीं है, चंदनवाड़ी बहुत खूबसूरत जगह निकली यार। मुझे लग रहा था नाम से यार क्या ही होगा वहाँ पर, ये अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है और ये यहाँ तक इतना सुंदर है, खूबसूरत है, तो आप सोचो कि जो अमरनाथ यात्रा एंड तक जाते होंगे लोग, वो क्या देख के आते होंगे। मतलब वो तो कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज़ देख के आते होंगे। देखा आप कितनी ज़्यादा फोर्स है इधर। एंड दिस इज चंदनवाड़ी, जो छोटा सा एक गाँव है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ओ भैया इधर से घोड़ू, घोड़ू अभी एक्सटेंड करा देता मेरा, क्या खिलाऊँ बता पहले, मैंने खुद ही नहीं खाया पता तुझे सुबह से अभी। दिस इज चंदनवाड़ी गाइस, ये यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, क्योंकि आगे जाके थोड़ी दूर ही ग्लेशियर है,
और यहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा है। सबसे जो तगड़ी चीज़ यहाँ की है कि यहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, अमरनाथ यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है उस हिसाब से। और यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ घूमने का तो नहीं मिलेगा, यही है, छोटा सा मार्केट है, फिर आगे थोड़ा सा ग्लेशियर वगैरह है और एक वाटरफॉल है, तो ये वाटरफॉल देखने आते हैं जनता यहाँ पे बहुत सारी। बारिश बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, रेनकोट मैं जाते हुए देखता हूँ, अगर मुझे रेनकोट लेना पड़ा तो भाई रेनकोट खरीद लेंगे, क्योंकि भीगते हुए जाने से बहुत अच्छा है कि मैं रेनकोट ले लूँ। बीच का रास्ता इतना खूबसूरत था ना, मैंने हमेशा यही कहा है कि भाई जो हमारी मंजिल होती है ना, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत हमारा रास्ता होता है, और रास्ता मुझे तो बहुत मैटर करता है भाई। चंदनवाड़ी और ये छोटा सा मार्केट है इधर, उसके बाद आगे जाके एक ग्लेशियर है, तो मैं ग्लेशियर तक ही जाने का प्लान किया मैंने, क्योंकि उसके आगे वाटरफॉल है छोटा बहुत, उसका कोई ज़्यादा खास कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको दिखाऊँ तो दिस इज़ द प्लेस, वो पूरा मार्केट है पीछे यहाँ पे सारा, बहुत फोर्स है, बट यार इधर बहुत फोर्स है। और बारिश की उम्मीद है मुझे, तो अब रेनकोट ख़रीदना पड़ेगा, रेनकोट ख़रीदते हैं और उसके बाद आगे तक एक ग्लेशियर है उसको देख के आते हैं, और उसके बाद वापस निकल जाएंगे टू श्रीनगर। शाम को डल लेक का व्यू बहुत अमेजिंग होता है, तो इसलिए मैंने प्लान किया है कि शाम को श्रीनगर पहुँचना ही पहुँचना है मैंने। लड़कियाँ देख रही हैं भाई को, तुम्हारी लड़कियाँ देख रही हैं, समझ रहे हो। मैंने कॉफ़ी और ब्रेड पकौड़ा ऑर्डर किया है, उस जगह से कुछ व्यू ऐसा दिखता है। द वर्ल्ड इज़ रियली स्मॉल, तो मुझे भैया मिले हैं जो मेरे घर के पास में ही रहते हैं, लखनऊ से ही हैं, ये भी पूछ रहे थे कि मैंने कहा, और इवन ये मेरे जो घर है ना, सेक्टर ओ है मेरा एक्चुअली, मानसरोवर लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर, वहीं से हैं, तो ये भी यहाँ पे है अपनी फैमिली के साथ। बट हमने देखा जो आगे जो ग्लेशियर है ना, वो ग्लेशियर छोटा सा ही है, तो थोड़ा सा ही जाके वापस निकल जाएंगे, श्रीनगर लेट हो रहा है, क्योंकि 5 बजे से पहले मुझे श्रीनगर पहुँचना ही पहुँचना है। तो थैंक यू भैया आप लोग इधर आए, है ना, बड़ा सही लगता है यार, अपने घर से कोई मिल जाता है ना, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी हिम्मत बन जाती है, है ना, हिम्मत बन जाती है, अकेले नहीं बनती हिम्मत। ठीक है, ओके, या टी वर्सेस इंस्टाग्राम वाला सीन हो गया, इतनी भीड़ लगी हुई है ना, मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा उस साइड। और जो आप पीछे देख रहे हो ना, दैट इज़ द ग्लेशियर, वो मिट्टी जैसा दिख रहा है, वो बर्फ़ नहीं है, वो ही ग्लेशियर है, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं उधर जाने का। बहुत भीड़ है यार इस बार ना पहलगाम में, इतनी ज़्यादा भीड़ ना, और मैं पूरी राइडिंग गियर्स का, मुझे गर्मी भी लग रही है, ठंडी भी लग रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या। जो अमरनाथ यात्रा है वो सामने जो आपको वहाँ पे जो दिखाई दे रही है, उधर से स्टार्ट होती है, और 32 किलोमीटर की यात्रा है, 32 किलोमीटर वन साइड, 2 दिन लगते हैं। कभी और इस बार तो नहीं हो पाएगा मेरे से, कभी और पक्का। लोग यहाँ ये सब ड्रेस पहन पहन के फोटो खिंचा रहे हैं, आंटी को देखो भाई, गॉड आंटी, आंटी साड़ी में चली हुई है भाई साहब। भोलेनाथ बम बम बोले। तो ये लोग जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, और मैं निकल रहा हूँ वापस, शिवजी का आशीर्वाद मुझे भी रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल रहेगा, उनके पैर छू के तो जा ही रहा हूँ मैं एटलीस्ट। मुझे अंकल जी मिले, अंकल बोलते हैं मेरे दोनों नी रिप्लेस हुए हैं, फिर भी उनको इतना शौक है घूमने का, मैं भी अंकल जैसा ही जज्बा होना चाहिए मुझ में जब मेरी उम्र आपके तक हो, है कि नहीं। तो अंकल जितना जज्बा अगर मेरे में भी होगा ना, तो मैं भी अंकल के जैसे ही आपको पहाड़ियों में मिलता रहूंगा इसी तरह। और अंकल ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, ले भी हो गया हूँ। अरे वाह, लेक तक जाके आए हैं अंकल, ले पैंगोंग लेक सब कर लिया यार, मैं अपने पापा को निकालना चाहूँ ना, निकलता ही नहीं है वो। अंकल को देखो, मतलब बताइए, ये इंसान की जिंदा दिली की बात होती है सारी, है ना, ये सारी जिंदा दिली की बात होती है। आप एक बार घर से निकल जाओ तो आप पहुंच ही जाओगे किसी ना किसी डेस्टिनेशन में। 51 का बर्थ है, 50, ओ भाई साहब अंकल, इट्स 71 प्लस, 70 प्लस है आप, इसका मतलब है ना। ठीक है अंकल जी, चलते हैं हम, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, अंकल जी के विदा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेनकोट वगैरह ढूंढूंगा मैं अभी, और उसके बाद जहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा है ना, खत्म हो रहा है बिल्कुल, वहाँ तक जाना है, वहीं मैंने बाइक लगाई है भैया। रेनकोट कितने का है? ये दे दीजिए एक, आप रेनकोट ले लेता हूँ, क्या पता बारिश हो जाए बीच में, क्यों भैया होएगा ना आज बारिश, लग तो रहा है मुझे, उम्मीद पूरी है बारिश हो जाएगा, दे दो, ये रख लेते हैं साथ में ताकि बारिश नहीं हो। थैंक गॉड, थैंक यू भैया, थैंक गॉड, बाइक मेरे इन आर्मी वालों ने सेफ रखा, उन्हें क्योंकि इसमें बैग में लॉक नहीं है, तो मैं इनके भरोसे छोड़ के चला गया था। चलते हैं वापस, जी जी यूपी से आए थे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो गए कोई 5-6 दिन? जी जी सर, फोटोन ट्रैवलर, फोटोन
PHOTONTRAVELER ठीक है सर, ओके। उनका फेस नहीं दिखा सकता था मैं, फेस प्रोबिटेड होता है आर्मी वालों का फेस दिखाना। अंकल जी ने भी दुआ दे दी है मुझे अपनी निकलने के लिए, आशीर्वाद दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलो निकलते हैं इधर से, थोड़ा सा ऑफ रोड है। ओके थैंक यू अंकल जी।